मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेलनाकार प्रक्षेप के बारे में पढ़ेंगे। सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन की अगर बात करें तो पिछली क्लास में हमने ये देखा कि लोग के जाल को समतल पेपर पर बनाना, ये पेपर पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है। आज हम इसको समझेंगे। आपको एग्जाम में आरएफ दिया रहता है 1/1 to 5 6 × 0। मापनी पर समदूरस्थ प्रक्षेप की रचना कीजिए, यानी इक्वल डिस्टेंस प्रोजेक्शन बनाना है। इसके 3 स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप, पृथ्वी के लंबवत गोले का अर्धव्यास, यानी सबसे पहले हम प्रक्षेप के लिए त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास डिवाइड बाय प्रतिनिधि बिंदु आरएफ। जैसा कि इसमें वास्तविक अर्धव्यास 365 6 × 0 और आरएफ जो हमें यहां पे दिया हुआ है, हमने आरएफ को लिया, इससे डिवाइड किया, ये त्रिज्या आ गई 2.8 सेंटीमीटर। त्रिज्या ज्ञात होने के बाद सेकंड जो हम स्टेप करेंगे वो ये रहेगा भूमध्य रेखा की लंबाई। भूमध्य रेखा की लंबाई के लिए 2πr, तो हमने इसको यहाँ सॉल्व किया, 2π का मान था 22/7 और r त्रिज्या जो हमें यहाँ से प्राप्त हुई, हमने त्रिज्या लिखी 2.8, क्योंकि ये पॉइंट लगा हुआ है, इसको इसको हटा के हमने नीचे टैग लिया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास दूरी आती है 1.46 सेंटीमीटर। ये आया हमारा इंटरवल, यानी दिशांतरों के बीच की दूरी। इसके बाद में हम जो स्टेप करेंगे वो ये रहेगा कि हम चतुर्थांश बनाएंगे, पूरा वर्तनी बनाएंगे, इसको 1/4 पार्ट बनाएंगे, और ये जो डिस्टेंस रहेगी वो डिस्टेंस कितनी रहेगी? त्रिज्या की लंबाई 2.8 सेंटीमीटर यहाँ दी गई है, तो ये 2.8 सेंटीमीटर का हम चाप लेंगे और उसे इस तरह से बना देंगे पूरा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा इंटरवल। यहाँ हम चांदा रखने के डी रखने के बाद 30 डिग्री को निशान लगाएंगे और ये रेखा खींच देंगे। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो लंबाई है भूमध्य रेखा की लंबाई 17.6 सेंटीमीटर, उसको हमने साधारण पेपर पर बनाया और उसके बाद दोनों तरफ के इक्वल लंबे डाले। लंबे डालने के बाद हमने क्या किया, क्योंकि अक्षांशों की जो टोटल संख्या होती है, अगर मैं बात करूँ अक्षांश हमारे पास टोटल होते हैं 180 अक्षांश होते हैं और देशांतरों की संख्या 360 होती है, तो हम कितने अक्षांश में चाप काटेंगे इसके लिए हमने क्या किया, इंटरवल से इसको डिवाइड किया। तो डिवाइड यहाँ करते हैं तो यहाँ ये संख्या आती है 6, हमें 6 चाप काटने हैं, तो हमने ये हमारा भूमध्य रेखा और इस भूमध्य रेखा पर हमने क्या किया, अब हमने 3 चाप ऊपर और 3 चाप नीचे ले रहे हैं, तो अक्षांश के लिए जो ये जो डिस्टेंस कितना हुआ इसके लिए हमने क्या किया, ये जो आपने चतुर्थांश बनाया, इस चतुर्थांश में ये कोण बना हुआ है, ए और बी की दूरी को प्रताप में लेंगे और उसी दूरी को ऊपर 3 और नीचे भी 3 बार काट देंगे, और सिमिलर से चीज आप इस तरह भी करें ताकि जो आपकी ये रेखा है वो सीधी रहे। फिर आपने रेखाओं को मिला दिया तीनों को। इसके बाद देशांतर के लिए क्या करेंगे, देशांतर के लिए क्योंकि देशांतरों की संख्या होती है 360, इसको हमने डिवाइड किया अंतराल से, तो हमारे पास नंबर आएंगे 12, यानी 12 देशांतर हमें काटनी है। फिर हम क्या करेंगे, देशांतरों को इस तरह से पूरा लिया, मिड में लेंगे 0 डिग्री और 30, 60, 90, 120, 150, 180 पूर्वी देशांतर, और इस तरह हो जाएगी 30, 60, 90, 120, 150 और 180 पश्चिमी देशांतर। इस प्रकार ये पूरा बनेगा, ये प्रक्षेप हमारा कहलाएगा रेखा समदूरस्थ प्रक्षेप। इसे हम समदूरस्थ प्रक्षेप इसलिए कहते हैं क्योंकि इस प्रक्षेप में जो भी आप डायग्राम बनाओगे उसमें दूरी समान रहेगी, दूरी में कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार ये बेलनाकार प्रक्षेप का पहला प्रकार समदूरस्थ प्रक्षेप कंप्लीट होता है। थैंक यू।